हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro और Pro Max के बारे में। तो फाइनली गाइस, इसके अंदर भाई अभी थर्ड अपडेट, आप इसको बोल सकते हो थर्ड नहीं सेकंड अपडेट है, जो कि MIUI 12 का आया है। यहां पर 12.0.8.0 का देख सकते हो, ये भाई MIUI 12.0.8.0 का ये अपडेट जो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो ये वाला अपडेट है जो कि 274 MB का ये अपडेट है, ये देख सकते हो। और हाँ, काफ़ी सारे लोग बोलने लग जाएंगे अभी के भी कमेंट में, ये अपडेट भाई हमें नहीं मिला, कैसे मिलेगा। जो भी है भाई, आज की इस वीडियो में मैं बता दूंगा क्यों नहीं मिला भाई, इसका मेरे को पता चल चुका। और ये आपको कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये अपडेट मिल चुका है मेरे को 12.0.8.0 का, ये जो 274 MB का है। इसके अंदर यहां पर मार्च का सिक्योरिटी पैच दिया गया, कैमरे को चेंजेस किया, सारी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो भाई, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपके पास रेडमी नोट 10 प्रो प्रो मैक्स है, तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊ उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो देखो ये गाइस, यहां पर मैं आपको सबसे पहले खा देता हूँ, कोई भी यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज नहीं कर रहा, सिंपली यहाँ पर मेरे को अपडेट मिला। मैं सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर देखते हो तो अबाउट फोन में जाता हूँ, ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर नेम एडिट किया हुआ 10 Pro 10 Pro Max, क्योंकि दोनों डिवाइस सेम है, बस 108 MP का अंतर है जो कि प्रो मैक्स के अंदर है। जैसे कि रेडमी नोट 7 7S था भाई 48, और यहाँ पर भाई जो दूसरे में कैमरा था उसका अंतर था, बाकी सेम है। देख सकते हो यहाँ पर हम टैप करेंगे और यहाँ पर मेरे को अपडेट देखने को मिल चुका है। ये देख सकते हो यहाँ पर चेकिंग ले रहा है, चेकिंग के बाद थोड़ा इंटरनेट इशू है। 12.0.6.0 पर अगर आप हो तो ये आपको अपडेट देखने को मिल चुका होगा। तो यहाँ पर हम चेक अपडेट कर लेते हैं एक और बार, ये देख सकते हो यहाँ पर ये अपडेट आ चुका है। एक और बार दिखा देता हूँ मैं आपको, 12.0.6.0 से 12.0.8.0 का ये अपडेट हमें देखने को मिल चुका है। ये देख सकते हो यहाँ पर हमें अपडेट मिल चुका है। तो इस अपडेट को इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये अपडेट काफ़ी सारे लोगों को मिला ही नहीं है, जो कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं भाई हमें ये अपडेट नहीं मिला। क्योंकि मेरे टेलीग्राम ग्रुप है भाई, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि यार ये हमें अपडेट देखने को नहीं मिला। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा ग्रुप है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अपडेट है ओनली फॉर उन लोगों के लिए जिन्होंने बीटा टेस्टिंग ज्वाइन की थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखो अभी क्या था, थोड़ी देर पहले ये अपडेट जो मेरे में शो नहीं कर रहा था, फिर भाई मैंने अमित भाई से बोला मेरे को लिंक बनाना, मैंने लिंक भी बना लिया। लिंक बनाने के बाद मैंने इस बीटा अपडेट को भाई इंस्टॉल भी कर लिया। ये देख सकते हो बीटा जो था, बीटा अपडेट बोल रहा हूँ, जो OTA अपडेट आया था इसको मैंने डाउनलोड भी कर लिया, 287 का था। फिर मैं इसको इंस्टॉल करने गया तो मेरे में एक एरर आया जो था भाई यहाँ पर बीटा टेस्टिंग का। ये जो अपडेट है ये ओनली फॉर बीटा टेस्टिंग यूजर्स को मिल रहा है, जिन्होंने बीटा टेस्टिंग के लिए फॉर्म भरा था। तो भाई देखो, मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे आप बीटा टेस्टिंग के लिए फॉर्म डाल सकते हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, इधर आई बटन आ रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसका वैसे डाउनलोड लिंक मेरे पास है, तो आप डाउनलोड लिंक से अगर आपके में ये अपडेट नहीं मिला तो आप वैसे भी इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बीटा टेस्टिंग का कुछ इशू दिखा रहा है। ये ओनली फॉर उन लोगों के लिए अपडेट रोल आउट हुआ है जो कि बीटा टेस्टिंग के लिए सेलेक्टेड हुए हैं। तो अगर आप अभी भी चाहते हो कि भाई अप्लाई करना, तो आप इधर आई बटन आ रहा होगा, जाके अप्लाई कर लो। मेरे को नहीं पता भाई उसकी डेट निकल गई है या फिर अभी है, उसका तो मेरे को पता नहीं, बट जाके आप अभी से अप्लाई कर सकते हो। ये देख सकते हो हमारे यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड होगा उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी नए नए फीचर्स आए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मेरे को ना पहले अपडेट शो नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने जो बीटा टेस्टिंग ने अप्लाई किया था वो मैंने दूसरे MI अकाउंट से ट्राई किया था, फिर मैंने अपना वही वाला MI अकाउंट डाला जिससे मैंने अप्लाई किया था, तो भाई मेरे को अपडेट देखने को मिल गया। तो आप किसी से भाई, किसी को अपडेट मिला मेरे ग्रुप में, तो आप उनसे भाई रिक्वेस्ट कर सकते हो जिसको अपडेट नहीं मिला, कि भाई अपना MI अकाउंट दिखा दे, अगर दिखा देता है तो भाई कर लेना, ये तरीका बता रहा हूँ, वरना आपको वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल यानी कि रोल आउट होने का। बट अभी ये अपडेट भाई ओनली फॉर बीटा टेस्टिंग के नहीं गया, बीटा यूजर्स के नहीं गया। अगर आप बीटा यूजर्स हो तो आपको जरूर से मिला होगा, नहीं मिला है तो भाई इधर आइए, बेनिफिट दोबारा बोल दे, इधर आई बटन है उस पर चेकआउट कर लेना, कैसे आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर लो, क्या पता आपको भी तुरंत अपडेट देखने को मिल जाए। बाकी इस अपडेट को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल आप देख सकते हो ये डाउनलोडिंग हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें देखूंगा क्या मिला क्या नहीं मिला, जो भी चीज़ है वो मैं आपको फुल रिव्यू वीडियो में बता दूंगा। बाकी रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के लिए अपडेट रोल आउट हुआ है, इसके अंदर सिक्योरिटी पैच अपडेट कर दिया गया जो कि मार्च का कर दिया गया 2021 का, तो सही है यार, अब अप्रैल चल रहा है बट यहाँ पर मार्च का दिया गया जो कि थोड़ा सा अजीब है। और अभी जो चल रहा था वो पता नहीं भाई कौन सा चल रहा था अभी, तो अभी यहाँ पर फरवरी का चल रहा था, मार्च का दे दिया गया, अप्रैल का देना चाहिए था। देखते इस अपडेट में क्या क्या होगा। और यहाँ पर कैमरे में कुछ चेंजेस किए गए, यहाँ पर एनिमेशन फॉर ऑटोमेटिक नाइट मोड में कोई एनिमेशन दी गई है, तो देख लेंगे हम उसमें भी कैसी एनिमेशन देखने को मिल जाती है। और ये अपडेट काफ़ी सारे लोगों को भी देखने को मिल चुका था, यहाँ पर जैसे अलग अलग स्क्रीनशॉट से काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो भी शेयर करी थी कि उनको भी ये अपडेट देखने
देखने को मिल चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रो मैक्स था, रेडमी नोट 10 प्रो, यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स था, और किसी पर रेडमी नोट 10 है उसमें भी सेम अपडेट किया, क्योंकि दोनों डिवाइस सेम ही है। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। बाकी ये अपडेट अभी आप डाउनलोड तो कर लोगे, लेकिन इसको इंस्टॉल करने के लिए भाई आपको भाई बीटा अकाउंट चाहिए, वरना बीटा टेस्टिंग का जो भाई एरर आ जाएगा कि ये जो अपडेट है अभी बीटा टेस्टिंग में, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो। तो यही था यार आज की इस वीडियो में। बाकी यार वेट कर लेना, जैसे ही ये अपडेट पब्लिकली रोल आउट होना स्टार्ट होगा तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं बता दूंगा बाकी इसमें क्या क्या फीचर्स आए हैं, वो तो मैं आपको थोड़ी सी देर में बता दूंगा। तो आप मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मैं इसको यहाँ पर अपडेट स्टॉल पर लगा देता हूँ।